हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो गाइस, कई टाइम से बारिश ना होने के कारण हमारे बागवानी और किसान भाई बहन हो रहे थे बहुत ही ज्यादा परेशान, जिनमें से एक बहन मैं भी हूँ। तो पिछले कल से लेकर हो रही है बहुत ही तगड़े स्टाइल से बारिश, जिसके कारण आज मैं पूरी तरह से पैक हो चुकी हूँ। और आज है 1 फरवरी। आज के दिन हम लोग बैठक करेंगे, लेकिन साफ सफाई बारिश होने के कारण नहीं करेंगे। यहाँ पे गोयल जी वगैरह सोए हैं। अभी टाइम हो चुका है 8:30 और मैं उठी हूँ, फ्रेश भी हुई हूँ। अभी चलते हैं ऊपर, जरा बाहर में आपको दिखा देंगे बाहर के मौसम का हालचाल भी। तो गाइस, आज के नाश्ते में हम लोग जो चीज़ें खाने वाले हैं वो इधर उधर से आई है। फेमड़ा लाया है ताई जी ने, और साथ में रखे हैं भटूरे और बौड़े, जो कि आए हैं मम्मी जी के मायके से। तो अभी मैं और मम्मी जी फिलहाल दो ही हैं, तो हम दो खाएंगे। मम्मी जी ने तो खाना शुरू भी कर दिया है, साथ में मैंने दूध भी लाया है दोनों के लिए। जो ये फेमड़ा है सरियारे का, तो इसके बाद ज़रा मैंने भी खाना शुरू कर दिया। फेमड़ा तो मैंने जल्दी से चटक लिया, क्योंकि ठंडी में गरम गरम खाने में मज़ा आता है। और ये जो बौड़े हैं, जो भी आइटम्स है, रोटियां बौड़े, ये आए हैं मम्मी जी के 3-4 भाई हैं, उन्होंने दिए हैं बना के। रंग इनका अलग अलग है, लेकिन जाएंगे तो मेरे पेट में ही सारे के सारे। खाने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये दले माश के बने होते हैं। जिसको भी खाना है बता दे कॉमेंट में, मैं अपनी मामी को बोल देती हूँ, मामी सास को, कि आपके लिए भी दे दे। तो अब आती है गीशी भी। गीशी मस्का लगा रही है खाने के लिए, इसको भी चाहिए तब मस्का लगाती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गीशी। तो अब गीशी अपने पापा के हाथों से खा रही है फेमड़ा। आज इसको सरलक नहीं बनाया, क्योंकि फेमड़ा एक पुराने अनाज वाली आइटम है, और जो सरलेक है वो भी पुराने अनाज से ही बना होता है। ये भी हेल्दी है, वो भी हेल्दी होता है। ज्यादा मीठा लग रहा है, चम्मच भी मुंह में। गुड मॉर्निंग। तो अब गोयल जी खुद खाएंगे बौड़े दूध के साथ, डैडी नहीं खाएंगे, डैडी बाद में ही खाएंगे। वाव, बर्फ लगी हमारी यहाँ पे भी। एक साइड हो रही थी बर्फबारी, और एक साइड में गीशी को नहला रही थी। ठंड में बाथरूम तक जाने का मन नहीं किया, इसलिए इसको यहीं पे नहलाया मैंने। मैं तो जिंदा बन गई। और 11 बज गए हैं और मैंने गीशी को रख लिया नादो के तंदूर के पास। फिर मैं जैसे ही बाहर निकली, तो बाहर आके मैंने देख लिया बर्फ बहुत ही तेजी से चली हुई है। मजा ही आएगा जब टिक जाएगी, तो आपको फिर से दिखाएंगे कितनी टिक गई। नाचो अब बर्फ में। हमारा डॉगी भी मजे ले रहा है। हाथ पे टिक गई बहुत ज्यादा बर्फ। बहुत मजा आ रहा है बर्फ को देखने में। मैं यहाँ दरवाजे के पास आकर बार बार ही बर्फ को देखी जा रही हूँ अब कितनी टिकी, अब कितनी टिकी। गीशु भी आई है बर्फ देखने। क्या लगा होने जी, बाहर क्या हो रहा है? ये अपना ही फेस देखे जा रही है इसमें। छत से लटकती हुई बर्फ बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। मैंने सुना है कि ताजी बर्फ खानी चाहिए।
दिन के 1:30 बज गए हैं और चाय वगैरह हम लोगों ने पी। बारिश में ठंडे में चाय पीने का बड़ा मन होता है। तो आई थी मैं अपना काम करने, लेकिन मुझे वर्फ दिखी तो थोड़ी देर में उसके साथ खेली, हाथ मेरा लाल हो चुका था। तो मैं थोड़ी देर फ्लोर सेकूंगी, फ्लोर सेकने के बाद मैं अपना खटी का काम शुरू करूंगी। और जो हमारी आज मीटिंग होती है वो हम लोगों ने की है कैंसिल, हम कुछ दिन के बाद करेंगे उसको, क्योंकि बारिश बहुत ही ज्यादा तेजी से लगी हुई है। बीच में तो वर्फ भी लगी थी, लेकिन अभी चली है बारिश ही, वर्फ तो अभी चलना बंद हो गई है और टिकी हुई है। आई थिंक 1 इंच होगी, आधा इंच होगी, पता नहीं। तो इस करके कुछ एक महिलाएं नहीं आ पाएगी। तो 2:30 बज गए, सचित आ गया स्कूल से, मुझे बोला आ जाओ चाची जी, मस्ती करेंगे। चाची को नहीं मारते अपनी चाची को? ओ भाई साहब जी, सचित खेल रहा है इसके साथ। देखिए गाइस, देखिए बस 1-1 इंच ही बर्फ आई हमें, हम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। यहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है, फुल जी के शूज पहन के आई हूँ। हाय रितु। ओ भाई मासी जी, कितनी ठंड हुई, वो ज्यादा ही ठंड हो गई, अब उठाए नहीं जा रहा गोदी में। तो जायका के तहत कुछ एक महिलाओं को 15 इंच वाली छोटी खटिया मिलनी थी, जो कि आज लाई गई। मैंने कुछ सामान मंगाया था अपना, वो भी इन्होंने इस ऑटो में लाया था, तो उसी के लिए मैं यहाँ रोड में आई हूँ। तो गाइस ये है छोटी खटिया जो कि 15 इंच वाली है, ये तैयार हो गई थी। तो आज हम कुल्लू गए थे, कुल्लू में बर्फ नहीं पड़ी है, हमारे एरिया में नहीं पड़ी है बर्फ। हाँ, ठंडा तो तब भी बहुत ज्यादा था ना। तो इन्होंने मेरी भी हेल्प कर ली, ये रहा मेरा बिम जो कि इन्होंने ही लाया। गोयल जी गए हैं ऊपर तंदूर की पाइप से बर्फ हटाने, और जाना इनका बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, फिसल रहे हैं ये। तो जरा एक बार फिर से आपको कुल्लू के एरिया में पड़ी हुई बर्फ दिखा देते हैं, और मौसम लग रहा है जैसे कि खुल रहा है, कल वैसे भी धूप बताई हुई है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।